महंगाई का जो रेशियो है उस हिसाब से हमारा कमीशन भी बढ़ाया जाए। 8 सालों से 7 सालों से कमीशन बढ़ा ही नहीं, 2 रुपए का 2 रुपए ही है, 2 रुपए कमीशन मिलता है मात्र। मतलब जो गवर्नमेंट की जो भी प्राइसिंग होगी तो 2 रुपए हम लोग को मिलता है, जो कि प्रति 100 रुपए के रेशियो से। जबकि भाई साहब ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि 10 रुपए का कुरकुरे भी आता है तो उसमें उसकी 2 रुपए मार्जिन होती है। आप यूँ समझिए कि लगभग पेट्रोल 100 रुपए लीटर है और उसमें हम लोगों को मात्र 2 रुपए मिलता है। गवर्नमेंट का क्या नाम है, तेल कंपनियां कहती हैं कि गवर्नमेंट समझेगी इसकी, मंत्रालय समझेगा, मंत्रालय में बात किया जाता है, तो कंपनियों का मामला है। और महंगाई का आंकड़ा गवर्नमेंट का पर ईयर आता है, हर 6 महीने में इन्फ्लेशन रेट आता है। तो हमारा मजदूरी बढ़ गया, हमारी जो लेबर कास्टिंग बढ़ गई है, जनरेटर की कास्टिंग बढ़ गई है, बिजली की कास्टिंग बढ़ गई है, पानी की मतलब कास्टिंग बढ़ गई, हर चीज़ की कास्टिंग बढ़ी है, लेकिन हमारा कमीशन 1% नहीं बढ़ा है। और अभी फिर गवर्नमेंट ने नए विज्ञापन लगभग 55,000 के आसपास निकाल दिए हैं, कमीशन भी नहीं बढ़ा है। सरकार की ही एक रिपोर्ट कहती है कि 1,70,000 लीटर से कम बेचने वाले को घाटा होता है, तो उसके बाद भी भोली भाली जनता का उत्पीड़न करने के लिए यह सब किया जा रहा है। हमारे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, ना शोषण हो रहा है हमारा। तो सरकार को सुदूर गांव में जो स्थिति है, पूरे पैन इंडिया की जो एवरेज है उसको देखना चाहिए, जो यहाँ के जो, वही तो मैंने बताया ना कि सेल्स ऑफिसर जो गवर्नमेंट कंपनियों के जिनको ये प्रोजेक्शन का दिया जाता है, वो अनायास आप ही एसी में बैठे हुए सर्वे कर देते हैं कि यहाँ पर हम खोल दो, यहाँ पर बहुत अच्छा चलेगा। उनको ग्राउंड रियलिटी पर जा करके वहाँ पता करना चाहिए ना कि बगल में अगर कोई पंप है तो वो कितना बेच रहा है। गवर्नमेंट को लगता है कि जो है ये पर्याप्त कमीशन है, जबकि कुछ इस संदर्भ में हाँ अधिकारियों को जो वही मिली भगत जो अधिकारियों का है, विज्ञापन में यह दिखाया जाता है कि इतनी जगह है, जबकि उन्हीं की एक सर्वे ये कहती है कि इतनी जगह, इतने से कम बिक्री पर, 1,70,000 से कम बिक्री पर आप पेट्रोल पंप सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद में फिर इतनी कम जगह के विज्ञापन क्यों दिखाए जाते हैं, यह विज्ञापन बंद होने चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी आप मेरे पीछे तमाम बड़ी संख्या में जो है नारे के साथ जो है चलती भीड़ देख पा रहे होंगे। ये सभी जो है पेट्रोलियम को लेकर जो राष्ट्रव्यापी व्यापार है उस पे जो है नारे लगा रहे हैं। कहाँ से सर, कहाँ से आए हैं और क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हरियाणा से, हरियाणा का होना सोनीपत। प्रदर्शन क्यों हो रहा है? ये कमीशन बनवाने के लिए, हमारा कमीशन बहुत कम है। क्या कम है, किस चीज में? क्या पेट्रोलियम शोषण हो रहा है, पेट्रोल मालिकों का शोषण हो रहा है। पेट्रोल का दाम तो इतना बड़ा हुआ है ना। कहाँ बढ़े हुए दाम, बढ़े हुए कमीशन कहाँ बढ़ा है? दाम बढ़ रहे हैं, कमीशन ही बढ़ा है डीलरों का। कमीशन जो है किस तरीके से आपका बढ़ता है? पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान छू रहा है, लेकिन आपको कमीशन नहीं मिल रहा। सरकार जो है महंगे दामों पे पेट्रोल खरीद रही है। सरकार महंगे दामों पर पेट्रोल डीजल बेच रही है, लेकिन डीलरों का कोई कमीशन नहीं मिल रहा है। डीलरों का सभी का धरना यही है कि इनका दाम बढ़ाया जाए, इनके कमीशन बढ़ाया जाए, इनको 7 साल से जो मांगे पूरी करते पूरी करी जाए, और जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आना चाहिए। सरकार जो है पेट्रोल कितने में खरीदती है, आपको कितने में बेचती है? हमारे को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, शोषण हो रहा है हमारा। तो सर सरकार जो है कितने में खरीदती है पेट्रोल और आपको कितने में बेचती है? 97 रुपए पेट्रोल बिक रहा है जी हरियाणा में। 2 रुपए कम मिलता है हम लोग को, 2 रुपए कमीशन मिलता है मात्र। मतलब जो गवर्नमेंट की जो भी प्राइसिंग होगी तो 2 रुपए हम लोग को मिलता है, जो कि प्रति 100 रुपए के रेशियो से। जबकि भाई साहब ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि 10 रुपए का कुरकुरे भी आता है तो उसमें उसकी 2 रुपए मार्जिन होती है। आप यूँ समझिए कि लगभग पेट्रोल 100 रुपए लीटर है और उसमें हम लोगों को मात्र 2 रुपए मिलता है। कांग्रेस की सरकार थी जब 60 रुपए पेट्रोल थे तब भी आपके उतने ही कमीशन था? नहीं, उस समय एक चीज क्या थी कि पेट्रोल पंपों की संख्या बहुत कम थी। जैसे कि एक एरिया में पंप है तो उसके 10 किलोमीटर के एरिया में पंप नहीं थे, तो हमारी वॉल्यूम ज्यादा थी, सेल हमारी ज्यादा होती थी। कमीशन 50-60 पैसा था, लेकिन सेल ज्यादा होने की वजह से फर्क नहीं पड़ता था। अब क्या हो गया कि खर्चे कम थे, अब पान की दुकान की तरह जगह जगह प्रति 1 किलोमीटर में 4-4 पंप हैं। अच्छी बात है ना, लोगों को सुविधाएं सुविधा हो रही है। तो सुविधाएं लोगों को देने से हम बोलो ना कह रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं उसी रेशियो में हमारा जो महंगाई का जो रेशियो है उस हिसाब से हमारा कमीशन भी बढ़ाया जाए। 8 सालों से 7 सालों से कमीशन बढ़ा ही नहीं, 2 रुपए का 2 रुपए ही है। और महंगाई का आंकड़ा गवर्नमेंट का पर ईयर आता है, हर 6 महीने में इन्फ्लेशन रेट आता है। तो हमारा मजदूरी बढ़ गया, हमारी जो लेबर कास्टिंग बढ़ गई है, जनरेटर की कास्टिंग बढ़ गई है, बिजली की कास्टिंग बढ़ गई है, पानी की मतलब कास्टिंग बढ़ गई, हर चीज़ की कास्टिंग बढ़ी है, लेकिन हमारा कमीशन 1% नहीं बढ़ा है। इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। उसके ऊपर से अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है
कि जो सर्वे करवाती है कि हमें किस एरिया में पंप खोलना है, तो ये जो इम्प्लॉई हैं कंपनियों के, इन्होंने अनायास सर्वे किया हुआ है कि यहाँ 200 केल बिक जाएगा, 150 केल बिक जाएगा। विगत पिछले 2018 में ही विज्ञापन आया था जहाँ 200 की केल का सेल दिखाया था, 200 केल का मतलब कि 2,00,000 लीटर पर मंथ, वहाँ पर 50,000 लीटर भी पर मंथ नहीं बिक पा रहा है। जबकि गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है कि किसी भी पेट्रोल पंप को अगर फायदे में बिजनेस करना है तो उसको कम से कम 1,70,000 लीटर पर मंथ बेचना ही चाहिए, क्योंकि इतने एक लाख से तो ऊपर खर्चे ही है पंप चलाने के। और अभी फिर गवर्नमेंट ने नए विज्ञापन लगभग 55,000 के आसपास निकाल दिए हैं, कमीशन भी नहीं बढ़ाया है। इसके एवज में जो नए वाले पंप आएंगे, तो जो वर्तमान चल रहे हैं वो जो आएंगे उनको तो जानकारी नहीं है, हो सकता है कि वो इस बिजनेस में नहीं है तो उनको जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो भी आएंगे तो उनका भी हाल हम लोगों की तरह होगा, वो भी कोलैप्स होंगे, हम भी कोलैप्स होंगे, कोलैप्स दोनों को होना है। इसका एक ही विकल्प है, या तो गवर्नमेंट, इतनी गहराई से आप जो समझा रहे हैं सरकार को समझ नहीं आ रही है। सरकार को क्या, ऐसा है कि देखिए कुछ एरिया, आपके दिल्ली का एग्जाम्पल ले लें तो कहीं कहीं आप पंप आपको देखेंगे बहुत अच्छी सेल है, तो सरकार को सुदूर गांव में जो स्थिति है, पूरे पैन इंडिया की जो एवरेज है उसको देखना चाहिए, जो यहाँ के जो, वही तो मैंने बताया ना कि सेल्स ऑफिसर जो गवर्नमेंट कंपनियों के जिनको ये प्रोजेक्शन का दिया जाता है वो अनायास आप ही एसी में बैठे हुए सर्वे कर देते हैं कि यहाँ पंप खोल दो, यहाँ पर बहुत अच्छा चलेगा। उनको ग्राउंड रियलिटी पर जा करके वहाँ पता करना चाहिए ना कि बगल में अगर कोई पंप है तो वो कितना बेच रहा है, वो बिना पता किए ऐसे ही सर्वे निकाला है। हमारे पंप के बगल में 4-4 पंप खुले, मैं तमाम जितने लोग आए लगभग सबके साथ यही है। और दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए पंप ही निकालना है गवर्नमेंट को, चलिए मान लेते हैं कि पंप ही निकालना है, तो उस एवज में कमीशन भी बढ़ा दो ना, 2 रुपये का कमीशन है, 8 साल से चल रहा है, उसको 10 रुपये करो। आपके कमीशन जो है सरकार रिन्यू क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं बढ़ा रही? वही तो मांग कर रहे हैं ना, उसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों नहीं करना चाहती, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? गवर्नमेंट को लगता है कि जो है ये पर्याप्त कमीशन है, जबकि कुछ इस संदर्भ में, हाँ अधिकारियों का जो वही मिली भगत जो अधिकारियों का है। दूसरी एक है कि इसके में कुछ हमारे एसोसिएशन के जो जिनका हम लोगों ने भी बहिष्कार किया है, उन लोगों ने कुछ केसेस वगैरह फाइल किया है, वो एक केस पेंडिंग है इसी कमीशन को लेकर के कोर्ट में, उसी को बहाना बना करके कि जब भी इस पर बात होती है तो होता है कि ये कोर्ट में पेंडिंग है, अभी इस पर कुछ भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट का क्या नाम है, तेल कंपनियां कहती हैं कि गवर्नमेंट समझेगी इसकी, मंत्रालय समझेगा, मंत्रालय में बात किया जाता है तो कंपनियों का मामला है। यही टाल मटोल का पूरा प्रक्रिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कुछ कह रहे हैं। अभी जो अंकल जी ने बताया कि 1,70,000 लीटर से कम बिक्री पर हम अपने खर्चे नहीं निकाल सकते, उसके बावजूद भी सरकार ने जो जगह निकाली है नहीं, कहीं पर 1,00,000 लीटर, कहीं रूरल एरियो में 30,000 लीटर, 40,000 लीटर पर मंथ की, जैसे जब सरकार की ही एक रिपोर्ट कहती है कि 1,70,000 लीटर से कम बेचने वाले को घाटा होता है, तो उसके बाद भी भोली भाली जनता का उत्पीड़न करने के लिए यह सब किया जा रहा है। एक जगह पर मान लो कि कोई एक जगह निकली, उस जगह पे 10 लोगों ने अप्लाई किया और 10,000 रुपये की फॉर्म राशि होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, अगर वह 10 लोगों ने भरी तो सरकार को 1,00,000 रुपया या कंपनी जो भी इसको प्रमोट करती है 1,00,000 रुपया मिलता है, और जिसमें से एक जने को मिलता है तो उसको कम से कम 35 लाख रुपया कम से कम उसको डिपॉजिट करना होता है, जो कि नॉन इंटरेस्टेबल होता है। आज के समय में आप समझ सकते हैं कि 35 लाख की ब्याज अगर हम लोग 10% से भी लगाएंगे तो भी 33,000 किसको पे करना होता है? ये जो जिसका पेट्रोल पंप अलॉटमेंट होता है, जो सारी सारे प्रोसीजर से क्लियर हो जाता है, अपनी जमीन से सारे नॉर्म्स से क्लियर हो, जिसका पेट्रोल पंप है, जो मालिक है, जो ओनर होगा, ओनर को देना होगा, वो सरकार को पे करते हैं, वो सरकार को या कंपनी को पे करता है, जो भी कंपनी IOC, इंडियन ऑयल, हर महीने करने पड़ते नहीं, सिर्फ एक बार वन टाइम डिपॉजिट। तो ये तो सरकार का फायदा है, सरकार तो इसमें अपना फायदा दे रही है, कंपनी अपना फायदा देख रही है, जनता तो भोली वाली जनता मारी जा रही है ना। तो मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस चीज़ को बंद किया जाए। कभी भी विज्ञापन के समय पे ये सर्वे नहीं बताया जाता है कि ये 1,70,000 लीटर से कम बेचने वाले इसमें कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने विज्ञापन में फर्जीवाड़ा, फर्जी जो चीज़ें हैं, विज्ञापन फर्जीवाड़ा, विज्ञापन में यह दिखाया जाता है कि इतनी जगह है,
जबकि उन्हीं की एक सर्वे ये कहती है कि इतनी जगह इतने से कम बिक्री पर 1,70,000 से कम बिक्री पर आप उस पेट्रोल पंप सर्वाइव नहीं कर सकते, उसके बाद में फिर इतनी कम जगह के विज्ञापन क्यों दिखाए जाते हैं, यह विज्ञापन बंद होने चाहिए। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि पहले आपका कमीशन 60 पैसे लीटर था और अब हमारा कमीशन 2 रुपया लीटर हो गया है, तो पहले जब नहीं, जब 60 रुपये लीटर थे जब 60 तब भी 2 रुपये कमीशन थे, अभी जो हमारा, हाँ तब भी 2 रुपये थे ठीक, और आज 90 रुपये है तब भी 2 रुपये है, लेकिन फर्क कहाँ पड़ा है? तब हम एम्प्लॉय को 10,000 देते थे, तो आज हम एम्प्लॉय को 15,000 प्लस देते हैं, 20,000 एम्प्लॉय को देते हैं, तो कोई बात नहीं, तो इसको बंद कर लीजिए, हमें दिक्कत नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि ये सब चीज़ बंद होनी चाहिए, बस ठीक। तो आपने सुना, ये जो है देश का सबसे बड़ा जो व्यवसाय माना जाता है पेट्रोलियम का व्यवसाय, वो यहाँ पर जो है वो सभी डीलर और जो है पेट्रोल पंप के जो मालिक है वो सभी यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी जो कमीशन रेट है वो बढ़ाई जाए। कई सालों से जो है उसका उसको रिवाइज नहीं किया गया है, और जो जब 60 रुपये लीटर हुआ करते थे तेल तब जो है 2 रुपये ही थे, और आज भी जब 90 और 100 रुपये लीटर तक जा चुके हैं तेल और पेट्रोलियम, तो भी इनके जो कमीशन रेट हैं वो 2 रुपये ही हैं। महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनका जो है आय नहीं बढ़ रहा है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।